नमस्कार, स्वागत है आपका जेजे न्यूज में। मैं हूं आपके साथ किरण। रामनगर में आज कोतवाली पुलिस ने एक बाइक चोरी के मामले में दो बाइक चोरों को चोरी के बाइक के साथ गिरफ्तार कर उन्हें कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की। इस दौरान घटना के बारे में कोतवाली के एसएसआई अनीस अहमद ने बताया कि सोमवार की रात डेयरी फार्म फौजी कॉलोनी से एक बाइक चोरी होने की सूचना पुलिस को मिली थी। उन्होंने बताया कि इस मामले में बाइक स्वामी उत्तर प्रदेश निवासी नीटू की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात बाइक चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। वहीं उन्होंने बताया कि सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बाइक स्वामी और अन्य लोगों की मदद से घटनास्थल से कुछ दूरी पर ही चोरी की गई बाइक के साथ ब्रिजेश चौहान और समीर को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई है और पुलिस की ओर से मामले की जाँच की जा रही है। देखिए, कल रात फौजी कॉलोनी में एक मोटरसाइकिल चोरी की घटना प्रकाश में आई थी। वो पब्लिक वालों ने पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस ने मोटरसाइकिल के साथ दो चोरों को गिरफ्तार किया है। एक का नाम ब्रजेश है और एक का नाम समीर है। इन्हें माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। सोमवार की देर रात रामनगर में स्थित फौजी कॉलोनी से एक बाइक चोरी की घटना को पुलिस ने तत्काल खुलासा करते हुए मामले में चोरी गई बाइक के साथ दो चोरों को गिरफ्तार किया। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाली के एसएसआई अनीस अहमद ने बताया कि फौजी कॉलोनी से रात सूचना मिली थी कि कुछ लोगों द्वारा एक बाइक चोरी कर ली गई है, जिसके बाद सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू की तो कुछ देर बाद पुलिस ने चोरी गई बाइक के साथ दो चोरों को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि चोरों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत अभियोग दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जेजेएन न्यूज। ये खबर तैयार की है रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल की इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।